सुभाष यादव ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है, लालती देवी के नाम से नामांकन प्रपत्र खरीदा गया है। सुभाष यादव की पत्नी है लालती देवी, कोडरमा विधानसभा के लिए प्रपत्र खरीदा है। कोर्ट के फैसले का है सुभाष यादव को इंतजार, फैसला आने के बाद नामांकन करेंगे सुभाष यादव। बता दें आपको कि बड़ी खबर सामने आ रही है, लालती देवी के नाम पर इन्होंने प्रपत्र खरीदा है, कोडरमा विधानसभा के लिए प्रपत्र खरीदा है। सुबह एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, वही खबर ये थी कि कोर्ट के फैसले के बाद नामांकन वापस लेने की बात की जा रही थी, लेकिन फिर से अब यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कोडरमा से सुभाष यादव ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है, लालती देवी के नाम से नामांकन प्रपत्र खरीदा है। सुभाष यादव की पत्नी है लालती देवी, कोडरमा विधानसभा के लिए प्रपत्र खरीदा है। कोडरमा के फैसले का, कोर्ट के फैसले का माफ कीजिएगा, सुभाष यादव को इंतजार है, फैसला आने के बाद नामांकन करेंगे सुभाष यादव। तो फिलहाल अपनी पत्नी के लिए इन्होंने प्रपत्र खरीदा है, सुभाष यादव ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है पत्नी के लिए, पत्नी के नाम पर इन्होंने लालती देवी के नाम पर प्रपत्र खरीदा है, नामांकन प्रपत्र खरीदा है। तमाम जानकारी के लिए कोडरमा से इस वक्त हमारे साथ आर्यन जुड़ चुके हैं। आर्यन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, सुभाष यादव ने पत्नी के नाम पर नामांकन प्रपत्र खरीदा है? सुबह से ही खबरें आ रही थी कि सुभाष यादव जो है उन्हें जो कोर्ट से पेरोल मिला था उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि बिना ईडी के अनुमति के उन्हें कोडरमा नामांकन के लिए भेजा गया था, ईडी को यह जानकारी नहीं दी गई थी, तो बहुत तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही थी। इसके बाद जो कार्यकर्ता है वो काफी निराश हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि सुभाष यादव का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, लेकिन कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि क्या होने वाला है। इस बीच ये सूचना मिल रही है कि लालती देवी, जिसपे हस्बैंड का नाम सुभाष यादव लिखा हुआ है, उन्होंने जाकर पर्चा खरीदा है और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं राजद के कार्यकर्ता। जैसे ही अगर फैसला पॉजिटिव आता है तब तो सही है, और अगर नेगेटिव आता है तो जो लालती देवी है वो तुरंत नामांकन करेंगी सुभाष यादव के जगह पे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोडरमा विधानसभा के लिए अपनी पत्नी लालती देवी के नाम पर सुभाष यादव ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद ही नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, लालती देवी के नाम से नामांकन प्रपत्र खरीदा है सुभाष यादव ने। कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं सुभाष यादव, और कोर्ट के फैसले के बाद नामांकन करेंगे, फैसला आने के बाद नामांकन करेंगे। ये फिलहाल इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर, लालती देवी के नाम पर इन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है। अब लालती देवी नामांकन करेंगी और फैसले आ जाएंगे जब कोर्ट के, तो उसके बाद सुभाष यादव अपनी बातों को रखेंगे। बता दें आपको कोडरमा विधानसभा सीट से सुभाष यादव ने नामांकन कर दिया था, फिर खबर सामने आती है कि कोर्ट की तरफ से नामांकन वापस लेने की खबर सामने आती है कि ईडी के बिना सूचना दिए हुए उनके अब्सेंस में इन्होंने नामांकन खरीदा था, फिलहाल नामांकन किया था। फिलहाल अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब सुभाष यादव की पत्नी लालती देवी नामांकन करेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।